नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। देश भर में कल जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। वहीं कान्हा ने मथुरा में जन्म लिया। रात को कृष्ण जन्म के बाद वासुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल नंद भवन यशोदा मैया के पास लेकर आए। प्रातः काल से ही नंद के घर बधाई देने वालों का तांता शुरू हो गया। कंस के कारागार में जन्म लेने के बाद कृष्ण गोकुल नंद बाबा के यहाँ पहुँच गए और उसी के साथ नंद के घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगे। सभी गोकुलवासी नंद बाबा को बधाई देने नंद भवन पहुँच रहे हैं और नंद भवन में नंद बाबा के व्यद्रा वस्त्र आभूषण तथा खजाना लुटाया जा रहा है। वहीं बधाई देने वाले कह रहे हैं, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसी साथ ही गोकुल में उत्सव शुरू हो गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने नंद बाबा के महल से हाथों में लेकर उपहारों से भरे थाल अपने साथ ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हुए नंद चौक पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने झूमकर नाचे और मटकों में भरी दही और हल्दी से लाला की छीछी कहे जाने वाले प्रसाद को एक दूसरे पर जमकर फेंका और यहां पर पालने में विराजे लड्डू गोपाल को अपने हाथों से झुलाने के लिए सब श्रद्धालुओं में होड़ मची रही। जैसे ही दर्शन के लिए पर्दा हटाया गया तो समूचा गोकुल नंद लाल की जय जय कार में डूब गया और उसके बाद नंद बाबा व्यद्रा अपने घर में नंद लाल पैदा होने की खुशी में यहां पर आए हजारों भक्तों को उपहार के तौर पर मेवा फल और मिठाई के साथ साथ रुपये पैसे भी लुटाए, जिनको लूटने वाला हर आदमी अपने जीवन को सफल बनाने की कामना करते दिखे। जबकि गोकुल के साथ ही समूचे ब्रिज मंडल के मंदिरों में नंदोत्सव मनाया गया। मथुरा के वेदारिकधीश मंदिर में भी नंदोत्सव मनाया गया और इस नंदोत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ भाग लिया। देखिए आप भी गोकुल में कैसे नंदोत्सव मनाया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।